हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। हम अपनी लेसन प्लान को स्टार्ट करें उससे पहले हम उसका बेसिक फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वह शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी हम उसका नंबर उसके सामने मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे दिनांक, जिस दिनांक में हम अपना लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को हम मेंशन करेंगे। उसके बाद आएगा विद्यालय का नाम, हम कौन से विद्यालय में जाकर के अपनी मैक्रो टीचिंग कर रहे हैं हम वो मेंशन करेंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण हम बीमार क्यों होते हैं, कक्षा 9C, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट्स। शिक्षण बिंदु, इसके बाद हम तीन मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण हो रहता है हम उसी का नेम लिखते हैं, जैसे कि हम बीमार क्यों होते हैं। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहेंगे, 1x1 हम सारे उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पर आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर पर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पर है अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद हम आएंगे थर्ड कॉलम में, विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री वाले कॉलम में। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री, कक्षा के उपयोगी सामग्री यानी चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड इत्यादि। इसके बाद फर्स्ट पेज ये है, इसी के सामने इसके फ्रंट पेज पे हम सेकंड पेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे अपने टॉपिक की, दो हम मेन कॉलम बनाएंगे, पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों आपको खाने में क्या पसंद है, बच्चे जवाब देंगे पिज्जा बर्गर चाउमीन इत्यादि। दूसरा प्रश्न रहेगा ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर खाने से क्या हो सकता है, तो बच्चे जवाब देंगे हम बीमार पड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा हम बीमार क्यों होते हैं, तो बच्चे इसके लिए निरुत्तर हो जाएंगे और बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। इसी के बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम लोग हम बीमार क्यों होते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम थर्ड पेज पर आएंगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग रहेगी प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण के बाद हम तीन मेन कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। पहला रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, और शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है हम उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है अवबोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स नंबर पर रहेगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्राध्यापिका कथन आएगा, छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहले रहेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों सर्दी में हमें आइसक्रीम क्यों नहीं खानी चाहिए, बच्चे जवाब देंगे सर्दी में आइसक्रीम खाने से हमें बुखार आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमें बुखार क्यों आ जाता है, कुछ बच्चे उल्टा जवाब भी दे देंगे क्योंकि आइसक्रीम खा लिया इसलिए हमें बुखार आ गया।
तो लेकिन नहीं, हम इसमें इसका आंसर लिखेंगे निरुत्तर की छात्र अभी निरुत्तर हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये 100% पॉसिबल है जब आप ये वाला क्वेश्चन रखेंगे ना कि हमें सर्दियों में आइसक्रीम क्यों नहीं खानी चाहिए, तो बच्चे कहेंगे हम बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो आप पूछोगे बुखार क्यों आ गया, तो बच्चे इसी का यही जवाब देंगे कि हमने आइसक्रीम खा ली थी ना इसलिए हमें बुखार आ गया। खैर कोई नहीं, आप इसका इसमें लिख देंगे निरुत्तर। इसके बाद हम देंगे छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। और ये टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है, एक जनरल टॉपिक है, आप इसमें कितना भी एक्सप्लेनेशन कर दें वो कमी है। आप बच्चों को इतना समझा दें कि बच्चों को ये चीज़ें पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आप इधर लिखेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसके बारे में आप सब कुछ मेंशन करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक पेज कंप्लीट होगा। इसी के बाद हम आएंगे इसके बराबर वाले पेज में, छात्र क्रिया भी होगी। विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर विधि डाल देंगे क्योंकि बच्चों से हमने प्रश्न किए, बच्चों ने जवाब दिए। जब आप छात्र अध्यापिका कथन दे रही होंगी तो छात्र छात्राएं आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आएगी व्याख्यान प्रदर्शन विधि। आप एक TLM का उपयोग करेंगे, TLM का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो इसमें बीमार नहीं पड़ने के कुछ उपाय हैं, तो आप उन उपायों के बारे में बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी। जैसे कि कुछ भी खाने से पहले हाथ धोएं, चाय कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक कम से कम लें, स्ट्रीट फूड खाने से बचें, नींबू पानी पिएं। तो ये कुछ कारक हैं जिनसे बच्चे बीमार कम से कम पड़ेंगे। इसके बाद आप एक श्यामपट कार्य यूज़ करेंगी। श्यामपट कार्य मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वह कार्य है जो आप बच्चों को क्लास में समझा रहे होंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो जिन्हें आप बोर्ड पर मेंशन करेंगे। तो वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक ब्लैक कलर के पेपर पे छोटा सा मिनिएचर फॉर्म अपनी फाइल में भी पेस्ट करेंगे और कॉलम रहेगा श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य वाले कॉलम में आप इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। लास्ट के पेजेस पर आप अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके बाद जब आप अपना टॉपिक क्लियर कर देंगे तो फिर आप बच्चों से पूछेंगे प्रश्नोत्तर, सॉरी बोधात्मक प्रश्न। जो आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए कौन से कारण महत्वपूर्ण है? तो बच्चे जवाब देंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार और साफ पानी पीने का पानी इत्यादि। ये सब कारक हैं जो महत्वपूर्ण मनुष्य के स्वस्थ रहने में। दूसरा प्रश्न आएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे 7 अप्रैल। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में मैंने पहले भी बताया है कि जब आप रिवीजन बच्चों को कराएंगे तो इसमें आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला है WHO स्वास्थ्य संगठन है, तो इसका जवाब है सही। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो आंसर है सही। हम बीमार असंतुलित आहार से होते हैं, तो इसका जवाब है सही। हम बीमार गंदे पीने के पानी से होते हैं, तो जवाब में आएगा सही। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? सही। जब हम पुनरावर्ती कार्य कर लेंगे तो हम लास्ट के पेज पर आएंगे, उसी के नीचे की हेडिंग रहेगी 4th नंबर की, कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। तो इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। 5th नंबर पे है गृह कार्य। गृह कार्य में लिखा जाएगा अलग अलग होने वाली बीमारी और उनके कारकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे होंगे वो आपको एक टिप्पणी लिख करके देंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर हम बीमार क्यों पढ़ते हैं का फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।